पीएम नरेंद्र मोदी को ईमेल से धमकी देने के आरोप में बदायूं के एक युवक को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिन गुजरात एटीएस बदायूं पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से युवक को आदर्श नगर से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी युवक के पिता का कहना है कि उनके बेटे से किसी भी तरीके के उनके संबंध नहीं है, वह पहले ही उसे बेदखल कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार सक्सेना। अच्छा सक्सेना जी, आप कहाँ पे रहते हैं? मोहल्ला आदर्श नगर गली नंबर 3। अच्छा, ये क्या मामला है जो आपके बेटे के लिए एटीएस गुजरात उठा के ले गई है? वो मानसिक डिस्टर्ब है, आईआईटी बॉम्बे जीटी करा हुआ है। अच्छा, फिर कब ले गए उठा के? और जो तान्या है, लड़की है, उसके चुंगल में फंस गया वो। ये कौन है तान्या, कहाँ की है? ये जानकारी नहीं है हमें। तो ये एटीएस कब उठा के ले गई थी इसके लिए और क्या है पूरा मामला? रात ले गई थी। क्यों ले गई उठा के? माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्होंने कराया या दूसरे ने कराया, ये जानकारी नहीं है। कोई मैसेज वगैरह डाल दिया था क्या? गल हाँ, मैसेज था, इसने डाला और इसका मोबाइल वगैरह सब दिल्ली में तान्या के पास है। अच्छा, तान्या कोई लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है? हाँ। अच्छा, तो ये रहता कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली रहता, कब से रह रहा है दिल्ली? ये 2016 के वास्ते मुंबई से आईआईटी करी थी इसने जी, और उसके बाद ये अप्रेंटिस वगैरह करी होगी जो भी है हमारे यहाँ, और हमने उसे एक साल तो बेदखल कर दिया है। वो हमें पूरी जानकारी बताता नहीं। यहाँ कब आया था? यहाँ परसों आया था। अच्छा, आपके लिए कोई जानकारी है इसने मैसेज वगैरह किया है? नहीं, हमारे लिए कोई जानकारी नहीं। अच्छा, तो कहाँ की पुलिस आई थी? गुजरात एटीएस। गुजरात। आप लोगों के सबके मोबाइल ले गए? हाँ, हमारा भाई और हमारे दोनों मोबाइल ले गए, बेटे का लगा।